शिखर धवन कब करने जा रहे हैं दूसरी शादी, जाने पहले पति से क्यों हुआ तलाक। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने क्रिकेटर करियर के अलावा जीवन को लेकर भी खुलकर बात रखी। धवन ने एक टीवी इंटरव्यू में अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक के अलावा दूसरी शादी पर खुलकर अपनी बात रखी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन हमेशा से अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। धवन चाहे क्रिकेट का मैदान या जीवन, वह हमेशा खुलकर जीना पसंद करते हैं, लेकिन इन दिनों वह मुश्किल से गुजर रहे हैं। एक तरफ वह टीम इंडिया से अपनी जगह खो चुके हैं तो दूसरी ओर उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के साथ उसके तलाक का केस चल रहा है। ऐसे में शिखर ने एक टीवी इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़े हर मुद्दे के ऊपर खुलकर बात रखी है। शिखर धवन ने अपनी पहली शादी को लेकर कहा, मेरे लिए पहली शादी एक बाउंसर की तरह रहा जो मेरे सर पर जाल लगी, चारों खाने चित कर गई। हालांकि इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ। बता दें कि शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से साल 2012 में शादी की थी। आयशा पहले से शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे। हालांकि इसके बावजूद धवन शादी की, दोनों का 2014 में एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर रखा। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक यह खबर सामने आई कि वे तलाक लेने वाले हैं। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की जोड़ी काफी शानदार थी। आयशा अक्सर धवन का मैच देखने स्टेडियम जाया करती थी। हालांकि खटपट के बाद दोनों 2020 में एक दूसरे से अलग रहने लगे। धीरे धीरे अनबन इतना अधिक बढ़ गया कि तलाक की नौबत आ गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी क्रिकेट की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे।